हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि रिसेंटली अभी इस वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर। सो इस वाले चैप्टर्स में अलग अलग हमें अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट हमें याद करके जाने होंगे और पूरा चैप्टर ये आपका थ्योरी के ऊपर ही है, यानी इस चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर हम रीसेंट पैटर्न की बात करें तो सिर्फ इस चैप्टर में से आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंटली, ठीक है। इससे पहले भी इसमें से 2-3 नंबर, 3-4 नंबर का कुछ ना कुछ हमेशा पूछा ही जाता है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फ्रेंड्स 14 पेजेस में कवर है और जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट, ये सब क्या होता है अभी हम थोड़े देर में स्टार्ट करने वाले, बट इसको बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है तो इतना डिटेल में आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप लोग बस बेसिक भी करेंगे, एक एक नंबर का एक एक टॉपिक अगर आप लोग याद रख के जाएंगे एग्जाम के लिए उतना ही आपका सफिशियंट इसमें रहेगा। इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्जैक्टली जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से कि मतलब जैसे कोई भी, जैसे आप लोग कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके लिए उसकी ग्रामर होती है, तो ग्रामर से हमें पता लगता है कि पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ऐसे ही आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट जो आपकी मदद करते हैं अकाउंटिंग की एंट्रीज में, जो भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो रूल्स किस हिसाब से डिसाइड होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लिए जो रूल होगा वो कैसे होगा, आपने जो एक्सपीरियंस है, प्रॉपर एक रीजन है, लॉजिक है, उसके आधार पर वो रूल जो है डिसाइड किया जाता है। तो जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये एक्जेक्टली क्या होते हैं, ये एक तरह से आपके रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी एंट्रीज को कर पाते हैं। इसके डेफिनेशन थोड़ी देर बाद दी गई है फ्रेंड्स, वहीं से इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो ये सारे टाइप के अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सभी के बारे में बहुत डिटेल से हमें जो है देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग स्टेज में और रिकॉर्डिंग स्टेज में अलग अलग यहाँ पे कंसेप्ट है, ये नाम मैं रीड नहीं कर रही क्योंकि एक एक टॉपिक हमें डिटेल में करना है। ये अगर हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे तो ये 14 पेज का चैप्टर ही आपका कवर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर में सब कुछ शुरू होने वाला है बट जो शुरुआत है वो यहाँ से कि अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट शुरू करेंगे उसके बाद से आपका ये शुरू हो जाएगा, कॉस्ट कंसेप्ट और जितने भी कंसेप्ट है फ्रेंड, कॉस्ट, मनी, ये सारा कंसेप्ट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी में फ्रेंड्स हमें कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है एक्जैक्टली। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब आपको जो है अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंसी हमारी किस में मदद करता है, अकाउंटेंसी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटेंसी क्या मदद करती है फ्रेंड्स, वो ये मदद करती है कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ एंट्रीज है, जो भी आपके अकाउंट्स है, उसको आप लिख सको, उनको आप प्रिपेयर कर सको और उनको समराइज कर सको और जब भी उसकी जरूरत पड़े उसको आप कम्युनिकेट कर सको। तो ये पर्पस के लिए हमें अकाउंटिंग जो है पढ़नी होती है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंट जैसे आपका बिजनेस है, बिजनेस देखा जाए, आपकी कंपनी देखी जाए तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। जैसे आप और हम तो बात कर सकते हैं बट अकाउंटिंग नहीं बात कर सकते, तो उसके लिए जो है एक लैंग्वेज है जो हमारी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग को आप जो है बिजनेस की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो बिजनेस है वो कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो अगर कोई बोलना चाहे कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटेंसी क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके थ्रू बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। और जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट, मतलब एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए और सभी के द्वारा अंडरस्टूड होनी चाहिए। मतलब अकाउंटेंसी के लिए हम ऐसे लैंग्वेज को यूज करेंगे जो सभी को समझ में आनी चाहिए, जैसे आपके इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, ताकि हम लोग अपनी भाषा को समझ सके, एक दूसरे की भाषा को हम लोग समझ सके। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी आप स्टैंडर्ड यूज करोगे, जैसे आप ग्रामर की बात करो तो अगर हर जगह सेम ग्रामर होगा तो फ्रेंड्स हम उसको लैंग्वेज को बेटर वे में समझ पाएंगे। तो सेम ऐसे अकाउंटिंग है कि जो भी आप अकाउंटिंग में एंट्री कर रहे हो, जो भी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। मतलब जैसे इंडिया है या बाहर की कंट्री, वहां पर सेम टाइप के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। दिस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इन्हीं स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है। पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्जेक्टली क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर लाइक द साइंटिफिक रूल दैट आर टाइम टेस्टेड एंड एप्लीकेबल। तो जो भी हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जब भी कोई अकाउंटेंट है, मतलब कोई पर्सन है, वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो कोई भी पर्सन है, कोई अकाउंटेंट है, वो अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, ही हैज टू फॉलो रूल्स। तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रांजेक्शन को नहीं रिपोर्ट कर सकते, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्सैक्टली क्या है, रूल्स, अकाउंटिंग के रूल्स को हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल सकते हैं। कोई भी रूल्स बोल लीजिए, कोई अजम्पशन बोल लीजिए, कोई भी प्रिंसिपल जो कि फॉलो करना चाहिए जब भी आप अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने अकाउंट बुक को मेंटेन कर रहे हैं। यानी अगर एक वर्ड में बोलना चाहे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्जैक्टली क्या है, हम कई सारे टाइप के अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बट अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है फ्रेंड्स, वो हमारा रूल है, जिस रूल को यूज करके अकाउंटेंट अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करता है, वही हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं होते तो हर कोई अपने हिसाब से चल रहा होता। अब मान लीजिए इंग्लिश के कुछ कॉमन रूल्स हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि पास्ट सेंटेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अब मान लीजिए हर कोई अपना अपना रूल बना रहा है, तो कैसे समझ में आएगा, क्या पता जो आपका पास्ट का रूल है सामने वाले को प्रेजेंट लग रहा। तो हमें कम्युनिकेट भी करना है, जो बिजनेस है वो अपनी बात को बाहर तक रखना चाहती है, आउटसाइड वर्ल्ड से बिजनेस बात करना चाहती है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी वो रूल्स को इस्तेमाल करेगी बिजनेस, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए और वो रूल्स ऐसे होने चाहिए जो बाकी को भी समझ में आए, ठीक है। तो इसी पर्पज के लिए हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रूल्स है, और ऐसा नहीं कि रूल्स किसी ने भी बना दिया, नहीं, उसको प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि वो जो रूल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, अलग अलग सिचुएशन में काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इन रूल्स को पूरा का पूरा टाइम टेस्ट करके, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को चेक करके ही ये जो है अकाउंटिंग के कंसेप्ट बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक हो गया फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा 4-5 मिनट में, यहाँ पे आपको बस दो डेफिनेशन याद करनी है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। एक नंबर का, ये एक तरह का रूल है जिसको अकाउंटेंट यूज करता है अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस की एंट्री करने के लिए, ठीक है, एक नंबर का, ये आप लोग याद रखेंगे। और इससे ऊपर जो है अकाउंटिंग क्या होती है एक्चुअली, जो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी आपकी बिजनेस की लैंग्वेज होती है, ठीक है। बस अभी तक हमने जो पढ़ा इतना ही आपका इंपॉर्टेंट था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका रिसेंटली काफी सारे क्वेश्चन सिर्फ इस वाले चैप्टर से पूछे गए थे, हर कंसेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बहुत सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, ये कॉस्ट, मनी मेजरमेंट, ये सारे कंसेप्ट को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यही आपका मेन है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आएगा, इन्हीं की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है रूल्स, कि कोई भी अकाउंटेंट अपनी बुक ऑफ ट्रांजेक्शन करेगा, अपनी ट्रांजेक्शन की एंट्री दिखाएगा, तो कौन से रूल को वो इस्तेमाल करेगा, वो रूल होता है हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ये सारे रूल की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला रूल है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि हर जो बिजनेस की चार्जेस होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है। कॉस्ट प्राइस पे कैसे, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई एसेट खरीदा, मान लीजिए आज आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, मशीन की कीमत है 1 करोड़, और आपने मशीन खरीदी और जब तक आपने मतलब मशीन का आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, और मशीन आपके वहां पे पहुंची अगले दिन, नेक्स्ट डे, और अचानक से क्या हुआ कि नेक्स्ट डे उस मशीन का प्राइस हो गया 1.5 करोड़। एक दिन में बहुत ज्यादा प्राइस उसका बढ़ गया, क्या पता उस मशीन की बहुत डिमांड आ गई, कुछ भी कारण उसका हो सकता है। तो 1 करोड़ की मशीन की डिमांड हो चुकी है कितनी, 1.5 करोड़, ठीक है, वो डिमांड यानी उसका जो रेट है मार्केट रेट बढ़ चुका है 1.5 करोड़। बट आपने आपको ये कितने में पड़ी, आपको पड़ी है 1 करोड़ में। तो जो हमें कॉस्ट पड़ी, मतलब जितने जितना हमने पे किया एग्जैक्टली हमें वही एंटर करना होता है अपनी बुक ऑफ एंट्रीज में, जो भी हम अकाउंटिंग की बुक बना रहे हैं, अपनी एंट्रीज जो कर रहे हैं, जो प्राइस हमने पे किया, जो कॉस्ट प्राइस है वही हमें लाना है, ना कि मार्केट प्राइस, ठीक है, ये यहाँ पे इसमें बोला गया। बस आप लोग इतना ही याद रखिए कि अकाउंटिंग में जो भी एंट्री की जाएगी हमारे बुक में, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट, वो कॉस्ट प्राइस होगा इरिस्पेक्टिव मार्केट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो प्राइस हमने सच में दिया, मार्केट प्राइस में नहीं होगा बल्कि कॉस्ट प्राइस होगा। ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो फ्रेंड्स लॉजिक ये है कि जो कॉस्ट प्राइस आपकी जो रिसिप्ट होगी, मान लीजिए मशीन का जो बिल होगा उस पर लिखा होगा 1 करोड़, क्योंकि आपने 1 करोड़ दिए, उस पर 1.5 करोड़ नहीं लिखा होगा। क्यों, ये तो मार्केट प्राइस है, मतलब अभी मार्केट में 1.5 करोड़ अगर कोई नई मशीन लेता उसको ये 1.5 करोड़ की पड़ती, पर हमें तो सिर्फ 1 ही करोड़ की पड़ी। तो प्रॉपर रिसिप्ट जो प्रॉपर बिल है वो हमारे पास 1 करोड़ का है, या ऐसे भी बोल लीजिए कि जो प्रूफ है कि हमने मशीन 1 करोड़ में खरीदी, उसका जो बिल है वो 1 करोड़ ही है, हमारे पास 1.5 करोड़ का कोई प्रूफ नहीं है। तो जो सही स्टिक बात है, जो सही बात है, जो सही प्रूफ है, वही हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो कुछ भी आप खरीदेंगे उसको कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमें कितने में पड़ी, या मान लीजिए आपने कहीं बाहर की कंट्री से कोई मशीन ऑर्डर की जिसको पहुंचते पहुंचते 1 महीना हो गया, तो उसका रेट बहुत बढ़ चुका है मार्केट में अभी, पर हमें कितने में पड़ी, हमने कितना पैसा दिया, उस पर हम अपनी एंट्री करते हैं, यही आपका कॉस्ट कंसेप्ट।
ठीक है, जिस जो हमारे को एग्जैक्ट कॉस्ट पड़ी उस पे हमें देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मशीन मंगाई और आपको अपनी बुक में वो एंट्री करनी पड़ेगी जो अमाउंट आपने सप्लायर को दिया, सप्लायर मतलब दुकानदार जिसने आपको मशीन बेची है, ठीक है। और हाँ, मशीन की कॉस्ट में जैसे आप मशीन को लेके आए और उसको इंस्टॉल किए, मतलब मशीन को आप लेके आए, फिर आपका रास्ते का कुछ किराया लगा, फिर उसको आपने इंस्टॉल किया होगा मशीन को, तो वो किराया भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट प्राइस में, ये इसमें बोला गया। फिर आपने नीचे इसके एप्लीकेशन बताएं कि जो भी आप असेट को परचेस करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे उसकी एंट्री करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे। और जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी उसका जो वैल्यू है उसकी आप एंट्री करेंगे, ना कि फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए फ्यूचर में मशीन 5 करोड़ की हो जाएगी, 10 की, उससे आपको कोई मतलब नहीं, अभी का आप एंट्री कीजिए। अनरियलाइज गेन आर इग्नोर। मान लीजिए उससे आपको गेन हुआ, कैसे 1 करोड़ की मशीन 1.5 करोड़ में बिक रही है, तो एक तरह से 50 लाख का यहाँ पे गेन आपको मिला, पर ये गेन आपको रियलाइज तो नहीं हुआ ना, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये इसमें बोला गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी गई, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला कंसेप्ट हमारे यहाँ पे हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। ये बोलता है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करेंगे किसी भी असेट की, ना कि कोई मार्केट प्राइस या किसी और प्राइस पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। या इसका उल्टा भी हो सकता है फ्रेंड्स, कि ये जो मशीन है 1 करोड़ के मतलब कल ये जो 80 लाख में मिल रही है, मतलब 20 लाख कम इसका हो गया प्राइस, फिर भी हम 1 करोड़ की एंट्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कारण है हमने 1 करोड़ पे किया, तो हमने जो पे किया सच में वही अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे। सेकेंड है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बोलता है कि जो भी आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा जो जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपका मनी के टर्म में मेजर होना चाहिए। यानी जो मॉनिटरी है, जो मॉनिटरी टर्म्स है, सिर्फ उसको आप एंट्री कीजिए, कोई भी नॉन मॉनिटरी थिंग्स को आपको एंटर नहीं करना। ऐसे चीज जो पैसों पैसों से जिस जो आपकी मॉनिटरी टर्म है, जो जो पैसे से लिंक्ड है, जिसको आप पैसे में दिखा सकते हैं, सिर्फ वही एंट्री कीजिए, बाकी को एंट्री नहीं करना, ये इसमें बोला गया है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन फॉर व्हिच इज कॉल्ड मनी। तो जो भी आप अपनी एंट्रीज बताते हैं वहां पर पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में ही सारा का सारे एंट्रीज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सेल्स, वेजेस, ये सारा वैल्यू को आपको मनी के टर्म में ही एंटर करना होता है। यहाँ पे उन्होंने उसकी एप्लीकेशंस बताई है कि मान लीजिए कोई प्रोप्रेटर है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी हम बुक में कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? अब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं तो उसको मॉनिटरी टर्म में कैसे दिखाएंगे, इसको हम नहीं दिखा सकते, तो एक नॉन मॉनिटरी टर्म हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपैक्ट रखता है। क्यों? प्रोप्रेटर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो बिजनेस बुक पे काफी घाटा भी हो सकता है उस वजह से, पर इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटरी टर्म में कैसे दिखाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि जो प्रोप्रेटर की हेल्थ है वो 50,000 रुपये के बराबर, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इस चीज को, प्रोप्रेटर की हेल्थ को या मैनेजर की हेल्थ को, हम पैसे के टर्म में दिखा ही नहीं सकते, ये नॉन मॉनिटरी टर्म है, इसीलिए जो है इसको हम अपनी बुक में एंट्री नहीं करेंगे, भले ही इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए प्रोप्रेटर की कुछ तबीयत बहुत खराब हो जाए, जिसकी वजह से बिजनेस पे आपका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, पर उसके बावजूद भी इसको मॉनिटरी टर्म में नहीं दिखा सकते, इसीलिए इसके हम एंट्री ही नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है कि क्वांटिटी मतलब जिसको हम प्रॉपर एक दिखा सके, एक वैल्यू में दिखा सके, उसी की एंट्री करेंगे, उसके अलावा हम किसी और चीज की एंट्री नहीं करेंगे। वी डू नॉट इंक्लूड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट में कोई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसको हम नहीं शो करेंगे, ठीक है। जो एग्जैक्टली इन्फ्लेशन मतलब असेट का वैल्यू कम हो गया या असेट का वैल्यू बढ़ गया, कुछ भी हम ऐसा नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है वो पैसे के टर्म में हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हम उसको एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी हम एंट्री करेंगे सारा का सारा मनी टर्म में होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी, पूरा पैराग्राफ दिया है, आपको बस 1 या 2 नंबर का याद रखना, इस ज्यादा आपको नहीं याद रखना, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट इसमें रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया, इतना सारा नहीं करना। जो भी अभी तक आपके क्वेश्चन आए गए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, तो 1 नंबर का पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तीसरा कंसेप्ट है फ्रेंड्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लीजिए आपका नाम है ए, ठीक है, और आपने 10,000 रुपये से क्या करी, दुकान खोली। आपने तो अपनी शॉप खोली 10,000 रुपये से, आप शॉप के मालिक हैं, बट आपको एक अलग पर्सन माना जाएगा और शॉप को अलग, आप दोनों अलग अलग है। जो शॉप है वो अपने में एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आप एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो अलग एंटिटी है और आप अलग एंटिटी। हाँ, आप बिजनेस के मालिक है, बिल्कुल ठीक बात है, पर बिजनेस में सही एंट्रीज दिखाने के लिए जो रूल्स है, रूल्स ये बोलता है कि बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना जाएगा। जैसे आप साइन कर सकते हैं तो बिजनेस की भी सील होती है ना, जैसे कोई बैंक है, कोई कंपनी, उसकी सील होती है, तो सील एक तरह से उस बिजनेस का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो आपकी जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी और आप एक अलग एंटिटी है। कई बार आप जो 10,000 रुपये ला के जो दुकान खोलते हैं, तो ये जो 10,000 रुपये इस दुकान के लिए लायबिलिटी है, यानी ये 10,000 रुपये जो है दुकान वाले आपको क्या करेंगे, इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। जो दुकान आपकी दुकान मान लीजिए
एबीसी लिमिटेड के नाम से। तो एबीसी लिमिटेड आपको इस पे इंटरेस्ट भी देगी और ये 10,000 एक तरह से कर्जा है इस दुकान पे। अगर हम इसको कर्जा ना माने, सेम माने, तो हम सही तरह से हिसाब किताब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा दुकान भी आपकी। अगर आप इसको खुद का समझे, दुकान को भी खुद समझे, पैसे को भी खुद समझे, सही एंट्रीज का नहीं पता लग पाएगा। तो इसीलिए जो है रूल ये बोलता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कि हमारी लैंग्वेज है, जो रूल ये बोलता है कि अगर आप कोई एंट्री दिखा रहे हैं उसमें प्रिपरेटर या जो उसका पर्सन जिसने बिजनेस ओपन किया उसको एक अलग रखेंगे और बिजनेस को एक अलग रखेंगे। ये इसमें बोला है, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मतलब बिजनेस अपने में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। दिस कंसेप्ट सेपरेट द एंटिटी ऑफ प्रिपरेटर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांसेक्शन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कैपिटल क्या होता है, जैसे आप 10,000 रुपए से आपने दुकान खोली तो ये 10,000 रुपए को कैपिटल बोला जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये जो दुकान में आपने 10,000 लगाए, दुकान के लिए ये लाइबिलिटी है, मतलब एक तरह से उधार है, बिकॉज बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, यानी आपके जो दुकान है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आप एक लीगल पर्सन हो। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे जिनके अंदर जान नहीं होती पर उनका एक वैल्यू होता है, जैसे कोई मशीन, कोई मान लीजिए कोई बिजनेस है किसी नाम से, आप जैसे कोई LG की कोई कंपनी है, कोई और कंपनी आप मान लीजिए, तो ये अपने में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लीगल पर्सन क्या होता है, या लीगल पर्सन आप बोल सकते हैं, नेचुरल पर्सन, सॉरी, जैसे आप और हम, हमें नेचुरल पर्सन बोला जाएगा, जिनके अंदर जान होती है, जो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं उनको लीगल पर्सन बोला जाएगा, सॉरी नेचुरल पर्सन बोला जाएगा। आर्टिफिशियल जिनके अंदर जान नहीं होती पर उनकी एक वैल्यू है, जो मशीन सॉरी जो कंपनीज होती है उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा, क्योंकि कंपनी की वैल्यू है, एक एंटिटी है वो, बट उनके अंदर जान नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन को बोला जाएगा। फिर आप, इन्होंने उसके यूजेस बता रखे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट सॉरी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का यूज किस तरीके से होता है। एनी मनी विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन होता है, जैसे 10,000 से आपने दुकान खोली तो आप थे प्रोपराइटर, तो जो भी पैसा आप विड्रॉ करोगे तो उसको ड्रॉइंग माना जाएगा। ड्रॉइंग किसको बोलते हैं, जो मालिक, दुकान का मालिक कुछ पैसा दुकान से निकाल रहा है तो उसको दुकान के लिए ड्रॉइंग माना जाएगा, एक तरह से उधार, आपका आपने उधार लिया, ड्रॉइंग्स लिए। प्रॉफिट इसे लाइबिलिटी और लॉस इसे असेट, तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसको लाइबिलिटी कंसिडर किया जाएगा और लॉस को असेट इसमें माना जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि जो बिजनेस है वो अलग है और ऑनर उसका अलग है। जो भी एंट्रीज है वो इस तरह से होती है कि बिजनेस एक अलग एंटरप्राइज है, एंटिटी है, और ऑनर एक अलग एंटिटी है। तीसरा कंसेप्ट भी यहाँ पे इसमें हो गया फ्रेंड्स, और चौथे कंसेप्ट पे आता है, वो है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। बहुत डिटेल में दिया गया, ज्यादा आपको नहीं करना, एक या दोनों प्रश्न आपको नहीं इसमें पूछा जाएगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, दिस कंसेप्ट टेल अस When is the revenue treated as realized or earned? Realization concept बोलता है कि जब आपको revenue हुआ तो उसको कब मान लिया जाएगा कि सच में आपको earn हो चुका है। It is treated as realization or earned on the date when the property in the goods passes to the buyer and he become rich. तो मान लीजिए कोई पैसा आपको आने वाला है, कोई revenue आपकी आने वाली है, ठीक है। मान लीजिए कोई दुकानदार, कोई पर्सन, कोई ग्राहक आपकी दुकान में आया कुछ सामान लेने, उसने खरीदा नहीं है ना, उसने बस वो सामान देखने आया, सिर्फ देखने मात्र से आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पैसा मिल गया, मेरा सामान बिक गया। जब तक वो सच में, जो आपका गुड्स है, जब तक सच में वो बायर को नहीं पास हो जाता तब तक आप उसको रियलाइज नहीं मान सकते, ठीक है। एंड ही बिकम लीगली लाइबल टू पे फॉर द गुड्स। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, वो बायर को आपने पास कर दी है, तो जब आप उसको पास करोगे, मतलब सच में बायर ने या तो उसको खरीद लिया है या बायर ने उसके लिए कुछ आपको हाफ पेमेंट कर दी, या फिर एटलीस्ट जो है बायर वो लीगली लाइबल नहीं होता, तब तक आप उसको रियलाइज नहीं बोलोगे, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या है फ्रेंड्स, कंपनी के लिए रेवेन्यू है उसका प्रोडक्ट बिक जाना। तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक चुका है तो कब वो मानेगा, क्या ग्राहक ने बात की, क्या वो मानेगा कि मेरा प्रोडक्ट बिक चुका है, नहीं। जब सच में जो प्रोडक्ट बायर के पास चला जाए या लीगली लाइबल हो जाए बायर उस गुड का, जो लीगली जो ऑनरशिप है वो बायर के पास चली जाए, तो उस केस में आप बोलोगे कि हाँ मुझे जो रियलाइज हो गया, मुझे जो पैसा है मिल गया, मेरे रिवेन्यू जो है उसको रियलाइज माना जाएगा। ये जो रियलाइजेशन है ना, ये रिवेन्यू के ऊपर बोला गया कि जो आपकी कमाई है उसको आप रियलाइज कब मानोगे। रियलाइज मतलब मेरी कमाई हो चुकी है। रियलाइजेशन वर्ड को आप अर्निंग वर्ड भी बोल सकते हो, अर्निंग, कि मेरे को अर्निंग हो चुका है। तो अर्निंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जब सच में जो प्रॉपर्टी का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है, या जो बायर है वो लीगली लायबल हो गया प्रॉपर्टी के लिए, उसी केस में आप उसको अर्न मानोगे या रियलाइजेशन मानोगे। इसका यूज, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, नो फ्यूचर इनकम इज कंसिडर, फ्यूचर में कोई इनकम आ रही है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर बोला है कि जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है या अर्निंग रिकॉग्निशन, वो ये देखता है कि अर्निंग प्रोसेस शुड बी कंप्लीट और नियर कंप्लीशन, मतलब जो अर्निंग है, या जो जैसे मान लीजिए बायर ने गुड के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया या लीगली वो लायबल हो गया, तभी आप उसको दिखाइए, अदरवाइज मत दिखाइए। चार कंसेप्ट हो चुके फ्रेंड्स, पांचवे कंसेप्ट पे आते हैं, वो है हमारा ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल का मतलब होता है डबल,
तो इसमें बोला गया कि जो भी आप ट्रांसलेस करोगे उसका डबल इफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स की, जैसे आप कोई ट्रांसलेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस ट्रांसलेस, कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वहां पे एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। तो दो चीज है यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट। यही आपका ड्यूल कंसेप्ट है कि जो भी आपकी एंट्रीज होगी उसका डबल इफेक्ट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। वन इज डेबिट एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट। यही हमारा ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट बोलता है। इसको एग्जाम्पल्स भी बताया। इफ एक्स स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 50,000, मान लीजिए एक्स ने 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस के पास 50,000 के एसेट आएंगे और जो बिजनेस है उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी कि 50,000 की, कि वो उसको देनी है। ठीक है, अगर आपने 50,000 से बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस को 50,000 रुपए मिल गए, तो बिजनेस के लिए असेट हो गया 50,000, साथ के साथ ये 50,000 बिजनेस के लिए एज ए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि जो ऑनर का पैसा होता है वो एक लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ये हमने कहाँ देखा? ये हमने देखा था एंटिटी वाले कंसेप्ट में, कि ऑनर को एक अलग एंटिटी माना जाएगा और बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना जाएगा। तो अगर 50,000 रुपए से ऑनर बिजनेस शुरू कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो 50,000 है अपने इस्तेमाल के लिए, वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में बिजनेस की असेट होगी 50,000, साथ के साथ उसकी लाइबिलिटी भी होगी 50,000। क्यों? क्योंकि वो 50,000 एक उधार है और बिजनेस को उसको ऑनर को वापिस करना है। ठीक है, तो यही आपका ड्यूल एंट्री कंसेप्ट बोलता है। इसमें बोला गया कि एवरी ट्रांजेक्शन के जो है दो एक्सपेक्ट होंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट में एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनेगी, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट का क्या होगा, बिजनेस का जो असेट होगा, एक तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब किसी से बिजनेस ने उधार लिया, बैंक से लोन लिया, वो सब लाइबिलिटी होगी। कैपिटल मतलब जो पैसा ऑनर अपनी पॉकेट से लाता है, ऑनर ने दुकान खोली तो वो जो कैपिटल है वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, तो इसीलिए इस कॉलम में आएगा। तो बिजनेस की जो इक्वेशन है वो है टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी में एक तो नॉर्मल लाइबिलिटी जैसे बैंक से लिया या कहीं से उधार लिया, और कैपिटल जो ऑनर अपना पैसा लाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, वो भी लाइबिलिटी होता है, तो इसलिए वो टोटल लाइबिलिटी वाले कॉलम में आएगा फ्रेंड्स। और टोटल असेट में तो आपका यहाँ पे है ही। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि इन अकाउंट्स यूजुअली पास्ट हैपनिंग्स आर रिकॉर्डेड, मतलब जो हो गया है ऑलरेडी, जो बीत चुका है वो हम एंटर करते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ रियलाइजेशन। अकाउंटिंग जो रियलाइजेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब रियलाइज हो जाए, जब अर्न हो जाए तभी उसकी एंट्री करो, ऐसा इसमें बोला गया। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को याद रखे, आपका हिस्टोरिकल कंसेप्ट आपका आया है। इसमें बोला है कि अ ट्रेडर परचेज ए बिजनेस प्रमाइसेस 5 लाख। मान लीजिए वो ट्रेडर है, उसने एक जगह खरीदी अपने बिजनेस के लिए, 5 लाख उसने दी। द अमाउंट ड्यू इज पेड टू द वेंडर्स, वो जो अमाउंट है उसको वेंडर को पे करना है। एंड बिजनेस एक्वायर दैट प्लेस, और वो जगह जो है बिजनेस ने ले ली। नाउ दिस ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड वेन दे टेक प्लेस डेट वाइज। दिस लेड टू प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब आपको टाइम के हिसाब से आपको करना है कि किस डेट पे आपकी क्या एंट्री हुई है, वो आपको इसमें करना है। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शंस कैन हार्डली बी आइडेंटिफाई और मेजर एक्यूरेटली। बोल रहा है कि जो बीतते जाएगा उसकी हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, अपनी बुक्स ऑफ एंट्री में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, वहां पे आपने बोला कि कल मैं 10,000 के गुड्स बेचूंगा, तो फ्यूचर की डेट की आप एंट्री कर रहे हो कि मेरे को कल 10,000 का गुड्स बिकेगा, परसों मैं ऐसा करूंगा, परसों मैं खरीदूंगा। तो मतलब आप फ्यूचर एंट्री मत कीजिए, हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका है, जो पास्ट है उसकी आप एंट्री कीजिए, ये हो गया ये हो गया। उससे क्या हमें 100% कंफर्म हो जाता है, मतलब जो बीत चुका है उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो एक तरह से 100% कंफर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये हो गया और इसकी हम एंट्री कर रहे हैं। और फ्यूचर में मान लीजिए आपने फ्रेंड्स अज्यूम किया है कि एक मेरा कोई आएगा ग्राहक और मेरा 10,000 का सामान लेके जाएगा, उसकी एंट्री आपने कर दी। मान लीजिए कल उसको कुछ हो गया, वो पर्सन मर गया, नहीं आया, तो फिर क्या? तो आपने एक तरह से रॉन्ग एंट्री कर दी, तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हजारों कटिंग्स आपकी बुक्स में, एंट्रीज में हो सकती है। इसको बचने का सिंपल तरीका है कि वेट करो थोड़ा सा। कितना वेट करना है? जब तक वो बिक ना जाए, जब तक वो हो ना जाए, जब हो जाएगा तो उसकी एंट्री कर दो। ये इसमें बोला गया। ठीक है, मैंने आपको उसका कारण भी बताया कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई एंट्री कर रहे हो, तो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब हमारा जो हिस्ट्री है, जो बीत चुका है, वो तो हमें 100% मालूम है कि हो चुका है और इसकी हम एंट्री करेंगे। बट कुछ जो चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, या फ्यूचर में 5 लाख की जमीन खरीदेंगे, मान लीजिए जमीन नहीं बिकी, या आपने कहीं लीगल चेक कराया, आपको कागज में कुछ प्रॉब्लम लगी, आप नहीं खरीद रहे, पर आपने उसकी एंट्री कर दी, तो एक तरह से आपको रॉन्ग एंट्री आपका हो जाएगा। इससे बचने का तरीका है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मतलब जो जिस डेट पे होगा उसको उस डेट के हिसाब से आप एंट्री करो। ये इसमें बोला गया। 5 लाख की आपने कोई एसेट खरीदी, तो 5 लाख की एंट्री जिस डेट पे आपने खरीदी उसका आप एंट्री कर दो, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? ये बोलता है कि जो बिजनेस है उसको हमेशा अज्यूम किया जाएगा, जो भी आप एंट्रीज कर रहे हो वो इस तरह से करोगे कि आपको मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न ये बोलता है।
गोइंग कंसर्न मतलब हमेशा बिजनेस जो है चलता रहेगा. दिस मीन्स दैट बिजनेस कंटिन्यू विद इट्स एक्टिविटी एज यूजुअल एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली. मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो इस तरीके से करो कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा. मतलब जैसे आपने कोई दुकान खोली, कोई बिजनेस शुरू किया, तो क्या आप ऐसा सोच के करते कि मैं 5 साल करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा, 5 साल बाद फिर आप क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इस तरीके का ख्याल कभी नहीं आता फ्रेंड्स की हम जो है 5 साल बाद बिजनेस नहीं करेंगे. मतलब गोइंग कंसर्न सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है वो दिमाग में रखेगा कि हमेशा अब उसकी किस्मत है कि बिजनेस नहीं चला, उसको बंद करना पड़ा. बट जो भी आप एंट्रीज करोगे हमेशा एक पॉजिटिव माइंड से करोगे कि हाँ जो भी हमारी एंट्रीज होंगी इस तरह से होंगी कि हमारा बिजनेस लाखों साल सालों साल चलेगा. इस तरह से आपको एज्यूम करके एंट्री करना चाहिए. इफ एक्सपेंस इज इनकर्ड एंड इज यूटिलिटीज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर देन इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस अदरवाइज इट इज रिकॉर्डेड असर. अगर मान लीजिए कोई खर्चा आपका हो गया, ठीक है, उसी साल आपने उस खर्चा को किया, तो उसको एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करो. अगर नहीं हुआ तो उसको असर के तौर पर आप ट्रीट कर सकते हैं. फिर यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस बताएं कि जो फिक्स असेट है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे करना है ना कि मार्केट प्राइस पे करना है. जो भी हमारे असेट का लाइफ है उसमें हमें डेप्रिसिएशन भी शो करना है. जो आपकी फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ रही है, मान लीजिए 10 साल बाद आपको कोई मशीन खरीदनी है, तो उस 10 साल के बाद हमें मशीन खरीदनी होगी, तो हमें अभी से प्रोविजन बनाने होंगे ताकि 10 साल बाद हम मशीन खरीद सकें. जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आप रिटर्न ऑफ कर लीजिए. और तो यही बोला है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स है, इट हेल्प इन्वेस्टर्स एट दे कैन अज्यूम द लाइफ ऑफ बिजनेस इज सिंपल. तो जो इन्वेस्टर्स है फ्रेंड्स, अब इन्वेस्टर्स किसको बोला जाता है? ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, कुछ शेयर खरीद के कुछ, तो उनको ही इन्वेस्टर्स बोला जाता है. तो इससे इन्वेस्टर्स को भी आइडिया लगा रहता है, इन्वेस्टर्स को भी मदद मिलती है जानने के लिए कि आपका बिजनेस इनफाइनाइट के लिए होगा. कोई भी पर्सन ऐसी कंपनी के शेयर लेना पसंद नहीं करेगा जो कंपनी 5 साल बाद या 2 साल बाद बंद होने जा रही है. तो इन्वेस्टर जब भी कहीं भी किसी के शेयर में इन्वेस्ट करता है वो अज्यूम करता है कि हमेशा चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा. ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नेक्स्ट रेफरेंस यहाँ पे हमारा मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग क्या बोलते हैं? दिस एक्सप्लेन्स दैट वी हैव टू मैच द इनकम ऑफ सर्टेन पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड ऑनली. इसका मतलब ये हुआ कि इस साल आपने कुछ इनकम की, इस साल आपने खर्चे किए, तो उसको आपको उसी से मैच करना चाहिए. ये बोल रहा है मैचिंग कंसेप्ट. अब मान लीजिए आपको सैलरी मिली, ठीक है, इस मंथ सैलरी मिली, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की गई है ना फ्रेंड्स. तो मान लीजिए इस महीने आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिली. अब इस महीने में आपके कितने खर्चे हुए? मान लीजिए इस महीने में आपके 30,000 खर्चे हुए, तो 1 लाख आपकी इनकम हुई थी और 30,000 खर्चे हुए, तो इसको हम माइनस करेंगे तो बचेगा 70,000. तो हम दिखा सकते हैं कि 70,000 एक तरह से हमारा बचत हो गई. तो अगर हम उस टाइम पीरियड की इनकम को उस टाइम पीरियड के एक्सपेंस से मैच करेंगे तभी हम सही वैल्यू बता सकते हैं. तो वही इसमें बोला है मैचिंग कंसेप्ट, कि जब भी आपका इनकम होगा, जब आपका एक्सपेंस होगा, उसी टाइम पीरियड से आपको मैच करना है. ऐसा नहीं कि आपके इस साल हो गए 1 लाख इनकम, सॉरी इस मंथ, और 2 महीने पहले आपका 1.5 लाख का खर्चा हुआ था. तो आप अभी आपकी इस महीने इनकम हुई है 1 लाख, और 1.5 महीना पहले आपकी 1.5 लाख की एक्सपेंस हुई थी, उसको मैच नहीं करना. मैचिंग क्या बोलते हैं कि जिस पीरियड में आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं उसी पीरियड में आपको अपनी एक्सपेंस भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है. ये बोला गया मैचिंग कंसेप्ट में. इससे हम सही प्रॉफिट या ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी खर्चा हुआ जिस टाइम पीरियड में हुआ, मतलब इस साल मान लीजिए आपकी कंपनी ने जो टर्नओवर की, जो इनकम हुई आपकी कंपनी ने, मान लीजिए इस साल 20 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए, तो इस साल आपकी फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में आपने 20 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए, ठीक है. इसी टाइम पीरियड के दौरान आपने जो खर्चा किया, जैसे रॉ मेटेरियल में या सब में आपने 10 लाख का खर्चा किया, उसी टाइम पीरियड में ऐसा हुआ, तो 20 माइनस 10 10, तो ये 10 लाख एक तरह से आपका प्रॉफिट इसमें हो गया. तो मान लीजिए आपने इस साल जो अपने खर्चे किए उसको आपने कंपेरिजन करना है, उसको मैच करना है इस साल की इनकम से. तो वही आपका मैचिंग कंसेप्ट बोला गया है कि जिस टाइम पीरियड का आप अपना एक्सपेंस दिखा रहे हैं उसी टाइम पीरियड की आपको इनकम भी दिखानी पड़ेगी. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है? इसमें बोलता है इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल रन फॉर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर अकाउंट ऑफ ईच पीरियड आर रिकॉर्डेड. तो बोल रहा है कि बिजनेस, जैसा कि हमने बोला था ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो बिजनेस है गोइंग कंसर्न में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हम बिजनेस को ऐसा चलाएंगे कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, लाखों करोड़ों साल चलता रहेगा, ऐसा हमने बोला. अब लाखों करोड़ों साल आपका बिजनेस चल रहा था, आपको थोड़ा रोक के उसको देखना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. तो आपकी जो अकाउंटिंग पीरियड है वो उसका अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस है वो तो आपको लॉन्ग टर्म तक चलेगा, बट आपकी जो अकाउंटिंग जो एंट्रीज है वो आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कर लीजिए. चलिए कंपनीज क्या करती है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर में अपनी एंट्री करती है. कैलेंडर ईयर हो गया आपका 1 जनवरी से 31 मार्च, और फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च. तो इस तरह से आपको अपनी एंट्रीज करनी चाहिए, ताकि मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड वाला कंसेप्ट आप यूज कीजिए, ताकि आपको जो है साल भर का हिसाब पता लगे, और नई जो जैसे 1 अप्रैल से आपकी नई बुक ऑफ अकाउंट ओपन होगी तो सारा कुछ हिसाब किताब सब कुछ नया उसमें होगा. तो वही चीज इसमें बोली गई है.
रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरप्राइज आर नॉन ओनली आफ्टर द बिजनेस हैज टू सीज टू ऑपरेट इस असर हैज, तो यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो हमें कभी ना कभी उसकी असर लाइबिलिटी सबको क्लोज करके जो एंट्री को दिखाना पड़ेगा। सो इसी के लिए जो आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे बोला गया कि हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपनी एंट्रीज करनी चाहिए और फिर पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करके नई बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री इसमें करनी चाहिए। तो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम पीरियड को सेलेक्ट कर सकती है। और कुछ कंपनीज क्या करती है, ईयरली डेटा के अलावा जनरली कुछ कंपनी 12 मंथ के लिए अपना अकाउंटिंग पीरियड बनाती है ताकि वो एक्सटर्नल रिपोर्ट कर सके, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकों के केस में तो उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया इतना ये, या शेयर होल्डर को भी जानना पड़ेगा कि हमारा जो शेयर है वो वैल्यू उसका घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसके लिए 12 मंथ का पीरियड जनरली रहता है। कुछ कंपनीज जो है शॉर्ट इंटरवल भी अपना लेती है ताकि वो अपना एक्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके, तो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, इस तरह से भी कंपनी अपने रिकॉर्डिंग करती है। तो इंटरनल पर्पज के लिए तो वो 3 महीना, 6 महीना, जैसा भी चाहे कंपनी रख सकती है, बट जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए उनको 12 मंथ का जो है टाइम पीरियड रखना ही होता है, उतने तक का जो है अकाउंटिंग पीरियड उनको मानना ही पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने इसका यूज बता रखा है फ्रेंड्स, देखिए तो कुछ कंपनियां अपना जैसे फिस्कल ईयर हो गया आपका, फाइनेंशियल ईयर आप बोल लीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी अपने स्टेटमेंट बना सकती है और कुछ जनवरी से 31 दिसंबर तक भी बना सकती है। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड असेट ऑफ बिजनेस, तो इसमें जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। उस साल में मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपने कोई हिसाब लिया, तो उस साल में कितने असेट्स आए, कितने हमने खर्चे किए, कितने हमारे इनकम हुई, तो उस साल का हिसाब उसी वाले अकाउंटिंग एंट्रीज में किया जाएगा। सो इससे हमें करेक्ट रिजल्ट पता लगेगा बिजनेस का, क्योंकि उस साल आपका कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उसको आप मैच करोगे उसी टाइम पीरियड के हिसाब से, और उससे हमें पता लगेगा कि करेक्ट रिजल्ट क्या है, बिजनेस करके हमें फायदा हुआ लॉस हुआ हम पता कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। इनेबल टैक्स कैलकुलेशन एंड डिवाइड, तो जैसे आपको डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को या आपको टैक्स पे करना है, तो आसानी से अपना प्रॉफिट पे आप अपना टैक्स भी आसानी से पे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो ये जो आपका जो अकाउंटिंग का जो टाइम कंसेप्ट है यहाँ पे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये आपकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स यहाँ से आगे के जो कन्वेंशन है ना, इसको हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको एक एक लाइन में कि क्या क्या कंसेप्ट है हमारे, ठीक है। हमने 8-9 कंसेप्ट देखे, तो पहला कंसेप्ट क्या था, पहला था कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये बोलता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसको कॉस्ट प्राइस पे करोगे। अभी मान लीजिए आपका मार्केट में आपने 1 करोड़ का मशीन खरीदा, मार्केट में वो 1.5 या 2 करोड़ का बिक रहा है, उसका कॉस्ट इतना बढ़ चुका है, पर उससे कोई मतलब नहीं, आपने जो कॉस्ट प्राइस पे किया आपको उसी वाले प्राइस पे अपनी एंट्री करनी है। आप मशीन दिखाओगे और बगल में लिखोगे 1 करोड़, ना कि 1.5 करोड़, ये इसमें बोला गया। जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो आपने पे किया वही प्राइस पे आपको एंट्री करना रहेगा। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसमें बोला है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उन उन चीजों के ट्रांसफर करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स है, जो नॉन मॉनेटरी है, जैसे आपकी बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है या कुछ और नॉन मॉनेटरी टर्म्स है, उसको आप एंट्री नहीं करोगे। जिस चीज को आप मनी के टर्म में मेजर कर सको उसी का एंट्री करोगे, वही आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मान लीजिए प्रोपराइटर की या मैनेजर की हेल्थ खराब हो गई, बट फ्रेंड्स आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक नॉन मॉनेटरी टर्म्स इसमें हो गया। तीसरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसमें बोला गया कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है जिसको आप आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, और आपका बिजनेस का जो ऑनर है वो एक अलग एंटिटी है जिसको आप नेचुरल पर्सन बोलेंगे, ये बोला गया। मतलब ऑनर अलग है, भले आपने पैसे, जैसे आपने 10,000 से दुकान खोली, ये पैसे आप ही के, दुकान भी आप ही के, बट बिजनेस की कैलकुलेशन के लिए दुकान को अलग माना जाएगा और आपको अलग माना जाएगा, ये इसमें बोला गया है। ये बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस को एक अलग से लीगल एंटिटी माना जाएगा। चौथा रियलाइजेशन कंसेप्ट, तो यहाँ पे बोला है कि जो रेवेन्यू है, रिलेशन का मतलब जो भी आपकी अर्निंग है उसको आप रिलेशन कब मानोगे, तभी मानोगे जब सच में वो हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आपको कुछ मिलने वाला उसकी एंट्री आपने आज कर दी, नहीं, जब तक रिलाइज ना हो जाए तब तक आपको उसकी एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट है ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट बोलता है कि हर जो भी एंट्री होगा उसका डबल इफेक्ट होगा, एक अकाउंट होगा डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट, ये बोलता हमारा सिंगल सा ड्यूल एक्सपेक्ट अकाउंट, ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। इस तरह आपने बहुत सारा चैप्टर्स में देखा होगा अकाउंटिंग के डबल डेबिट क्रेडिट, इस तरह से जो एंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो ऑनर कैपिटल लेके आता है ना अपने पैसे से, जो दुकान खोल रहा है, तो उसको भी लायबिलिटी माना जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी कौन सा, बैंक से आपने लोन लिया है, फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लिया, तो वो सारा लायबिलिटी होगा, और कैपिटल ऑनर का पैसा भी लायबिलिटी होगा बिजनेस के लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कंसेप्ट, मतलब जो हो चुका है उसकी एंट्री करनी है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी एंट्री पहले से नहीं करनी है। हिस्टोरिकल मतलब जो बीत चुका है उसकी एंट्री कीजिए, फ्यूचर की एंट्री मत कीजिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो बोल रहे हैं कि जो भी हम एंट्रीज करेंगे इस तरह इस बात को ध्यान में रखे करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल चलेगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ऐसा एज्यूम करके हम लोग एंट्री करेंगे।
नेक्स्ट है मैचिंग का सर। मैचिंग का सर बोलता है कि आप कुछ अपना एक्सपेंस दिखा रहे हैं, उसी टाइम पीरियड के लिए आपको अपना इनकम दिखाना पड़ेगा। मतलब जब जब आप मैच कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से कीजिए। अगर आपका इस महीने इनकम हुआ मान लीजिए 1 लाख का, क्योंकि आपकी सैलरी है 1 लाख, और इस महीने खर्चा हुआ आपका 50,000 का या 30,000 का, तो इसको ही आप मैच कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि इस महीने आपने कितना सेव किया है। इस महीने आपका 1 लाख इनकम हुआ, पिछले महीने आपका 2 लाख खर्चा हुआ, उसको आप नहीं मैच कर सकते। एक टाइम पीरियड के हिसाब से आपको एक्सपेंस और इनकम की मैचिंग करनी चाहिए, वही आपका मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है कि भले ही हमारा बिजनेस हमेशा चलेगा, लाखों साल करोड़ों साल चलेगा, बट उससे हमें मतलब नहीं है। हमें हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना होगा, उसके हिसाब से उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर हमें बाहर के जो रिपोर्टिंग है उस पर्पज के लिए हमें 12 महीने का कम से कम टाइम पीरियड रखना होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस का जो अकाउंट है वो 1 अप्रैल से ओपन होता है और 31 मार्च को क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया कि सभी जो बिजनेस है 1 अप्रैल को अपना, 31 मार्च को अपना बुक क्लोज करते हैं और 1 अप्रैल को वो ओपन करते हैं। कुछ कंपनीज अपने खुद के रिपोर्टिंग के लिए, अपने खुद के लिए, जैसे कुछ बैंक क्वार्टरली बेसिस पर अपना प्रॉफिट ये सब डिक्लेयर करते हैं ना, तो खुद के लिए आप चाहे तो 1 महीना, 3 महीना, किसी हिसाब से भी आप रख सकते हैं, बट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए आपको 12 महीने का जो है अकाउंटिंग पीरियड तो रखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे बताया कि आप 1 जनवरी, 31 मार्च या फाइनेंशियल ईयर किसी भी तरह से अपना अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं, बट ज्यादातर जो कंपनी है इस वाले को ही फॉलो करती है। फिर अगला है मेन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग पार्ट टू से डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा जो जीआरबी का कोर्स है फ्रेंड, आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएगा, तो 2 हैंड्स की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कि चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की हमारी डिमांड थी कि चैप्टर वाइज हमें एमसीक्यू चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपको सभी के सभी, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस, चारों के चारों बुक के आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगे, और जो आपके पीडीएफ है वो भी आपको 3 मंथ्स के कोर्स में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए रहेगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।